कहूंगा जो भी हलचल है पहले उस हलचल को खत्म कर दीजिए, क्योंकि अंतिम दौर है मेरी तरफ से। और इसमें जहां तक मेरी कमी भी नहीं है, क्योंकि मैं 9 बजे आ चुका था, लेकिन कमेटी मेरा नाम ही लिखना भूल गई, तो फिर मेरा 11वां नंबर हो गया था लिखवा। लेकिन कोई बात नहीं है, अंतिम प्रस्तुति है और कोशिश करूंगा आपके हृदय तक शब्द पहुंच जाए। देखेंगे आप लोग लिखा किसी लिखने वाले ने। मेरे दिल की है आबाद के बिछड़ा यार मिलेगा, आज नहीं तो कल आए है, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल मुझे मेरा प्यार मिलेगा। मेरे दिल की है का पुरस्कार हमारे रजन सिंह जी उनकी तरफ से। देखिए, मां की ममता में हर क्षमता, मां की ममता में हर क्षमता, भगवान की मूरत होती है और मैया के प्यार की वो बरसा बिन घड़ी मुहूर्त होती है। मैया के प्यार की वो बरसा बिन घड़ी मुहूर्त होती है। और ये 51 रुपए का पुरस्कार राजन पंडित जी धौर वाले उनकी तरफ से। और ये 51 रुपए का पुरस्कार मंसूराम सरपंच जी। देखिए, और ये 20 रुपए हमारे दादाजी की तरफ से। मां की ममता में हर क्षमता, भगवान की मूरत होती है, मैया के प्यार की वो बरसा बिन घड़ी मुहूर्त होती है। क्षमता की आत्मा है मेरी माँ। देखो साहब, पैसा ही कोई बात ना, मैं समझ रहा हूँ पैसा तैयार हो खत्म है, पर प्रेम के बैठ के सुनो, पैसा ही कोई टेंशन ना है। क्यों? क्या क्षमता की आत्मा है मेरी माँ और ममता की मूरत होती है, और हमारी तो औकात क्या है, क्या ममता की मूरत होती है, उस राम और घनश्याम को भी एक माँ की जरूरत होती है। राम रसायन जैसा कोई घोल नहीं है, राम रसायन जैसा कोई घोल नहीं है, क्योंकि राम के नाम से सुंदर कोई नाम नहीं होता दुनिया में। जियो तो राम और मरो तो राम, क्योंकि राम रसायन जैसा कोई घोल नहीं है, और हे पृथ्वी जैसे गोल और कोई गोल नहीं है, हे पृथ्वी जैसे गोल और कोई गोल नहीं है। दादाजी, क्योंकि राम रसायन जैसा कोई गोल नहीं है, और हे पृथ्वी जैसे गोल और कोई गोल नहीं है। देखो साहब, हम वो पे पैसा वो आया ना जो बीड़ी ने काय बचाए काय, पर मैं ये कुछ किस्मत ही है कि बीड़ी ने केनु मोई दे जाए रे रास रास तो लेके। क्यों दादाजी? राम रसायन जैसा कोई घोल नहीं है,
और हे पृथ्वी जैसे गोल और कोई गोल नहीं है। अरे रिश्ते और नातों की कोई तोल नहीं है। रिश्ते और नातों की कोई तोल नहीं है। अगर मेरी लाइन आपके दिल को छू जाए तो अपना बच्चा समझ कर आशीर्वाद दे देना। रिश्ते और नातों की कोई तोल नहीं है, क्योंकि माँ के दूध का इस दुनिया में कोई मोल नहीं है। दूध का इस दुनिया में कोई मोल नहीं है। माँ के दूध का इस दुनिया में कोई मोल नहीं है। और ये 51 रुपए का पुरस्कार काका करुआ जी उनकी तरफ से, और ये 51 रुपए भरत सिंह डॉक्टर जी उनकी तरफ से। अरे रिश्ते और नातों की कोई तोल नहीं है, क्योंकि माँ के दूध का इस दुनिया में कोई मोल नहीं है। वेदों में सबसे ऊंचा, वेदों में सबसे ऊंचा दूध का कर्जा कोई बेटा चुका न पावे, के दूध का कर्जा। और ये 1 से 1 रुपए का पुरस्कार मोहनलाल चतुर्वेदी बांसी वाले, एक बार जोरदार तालियां बजा करके। ये 1 से 1 रुपए का पुरस्कार, मैं नाम से तो परिचित नहीं हूँ। और ये हमारे पवन भैया जी जो बहुत सुपर ढोलक वादक है, एक बार जोरदार तालियां बजा करके। सम्मान मिला है, हमें सम्मान लायक नहीं है, लेकिन सम्मान दिया मेरे लिए नहीं। कल से यहां जितने भी कलाकार आए, इस गांव ने और इस क्षेत्र ने इतना सम्मान दिया कलाकारों को, तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां आप अपने लिए जरूर बजा दें। सम्मान दिया हमको इतना, कसर न कोई छोड़ी है, और सबके हृदय में बस जाए वो राधे कृष्ण की जोड़ी है। सबके हृदय में बस जाए वो राधे कृष्ण की जोड़ी है। तो फिर बजा हाँ मेरा मानू, तो फिर बजा प्रेम का ढोल और कोई ढोल नहीं है। यतराम फौजी और मुकेश फौजी लुधावई वालों की तरफ से। अच्छा, अरे कछुतों से सब बॉर्डर पे बैठे सुरक्षा कर रहे हैं भाई, क्योंकि बजा प्रेम का ढोल और कोई ढोल नहीं है। अरे प्यार के मीठे बोल, हाँ जी प्यार के मीठे बोल, प्यार के मीठे बोल और कोई बोल नहीं है। और आपसी मन मुटावे जावे तो सा एक मिनट में ये कह देता है कि तेरी पोल खोल दूंगा, लेकिन हमने पोल का सही मायना का किया। अगर आपको शब्द पसंद आए तो आशीर्वाद जरूर देना। अरे प्यार के मीठे बोल और कोई बोल नहीं है। और दादाजी क्योंकि जो है राम नाम में पोल और कोई बोल नहीं है। ये हमें जो सभी कलाकारों का नाम जिन्होंने विदेशों तक पहुंचाया,
रोहतास पंडित जी, डीजे साउंड जनूथर वाले एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बजा दें। और ये एक से एक रुपए का पुरस्कार गोपाल दास सरपंच सार वाले उन पार, अच्छा जी पार वाले उनकी तरफ से। और ये हाँ चांद पे धर के दो जरूरी है। और ये दलवीर भैया, हाँ जी हमारे चाचा श्री कह रहे हैं कि दलवीर भैया पे ऐसा कोई चीज गप्पा हो जो याद रखे। और ये एक से एक रुपए का पुरस्कार 51 रुपए का पुरस्कार मांगेलाल फौजी जी। अरे साहब अच्छा ये 51 रुपए का पुरस्कार, नाम तो ले सकते हैं सर, नाम तैयार हो लेंगे तो कौन को लिख गए, क्योंकि प्यार के मीठे बोल ओए होए प्यार के मीठे बोल। दोबारा बोले रामनाथ जी रायबा वाले उनकी तरफ से एक रुपए का पुरस्कार, बार बार आशीर्वाद की कामना। अरे प्यार के मीठे बोल और कोई बोल नहीं है जो है राम नाम में बोल और कोई बोल नहीं है। देखिए मैं इस चीज के काबिल एक बार जोरदार तालियां बजा कर। और ये 200 रुपए का पुरस्कार भगवान सिंह भज्जो जी। और ये 500 रुपए का पुरस्कार सुशील कुमार जी, एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप सभी। हाँ जी कमेटी के लिए कुछ पुरस्कार है उसे सुन लें और उसके बाद फिर मेरा एक गाना सुन लें, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है, हमें भी बहुत दूर जाना है। जख्म जागे कई पुराने से चंद कलियों के मुस्कुराने से, जख्म जागे कई पुराने से और दो कदम में तो चल नहीं सकता, तू ही मिल जा किसी बहाने से। किसी ने कहा था किसी से न कहना और लगे चोट दिल पर तो खामोश रहना, बना लो कोई खूबसूरत बहाना मेरे आंसुओं सीख लो। इस मंदिर प्रांगण में बैठे हुए एक बार मेरे साथ एक जयकारा जरूर लगाएंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। लड़ते लड़ते अमर हो गई, लड़ते लड़ते अमर हो गई, लड़ते लड़ते अमर हो गई वो झांसी वाली रानी है। उन्होंने वीरों में नाम लिखाया उनकी अमिट निशानी है। और ये एक बार जोरदार तालियां बजाएं, ये हमारे गुरु लोग हैं, हम इनके सामने बच्चे, हम इन लोगों के चरणों की धूल भी नहीं है, एक बार जोरदार तालियां बजा दें। देखिए सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठे उसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ये जो पुरस्कार दे रहे हैं हमारे नौदरा वाले चाचा जी और ये हमारे कवि भी हैं नानू वाले हरिशंकर चाचा जी और हमारे झिकड़ी के, आप इनको कुछ भी कह दीजिए झिकड़ी के, मैं तो इन्हें सहनशाह ही कहता हूँ। एक बार इनका जोरदार तालियां बजा करके आप लोग सम्मान करें। लड़ते लड़ते अमर हो गई और वो झांसी वाली रानी है। उनको याद कर ताये वतन
जो के दे गए वो कुर्बानी है, उन्हें कभी हम नहीं भूलेंगे, दे गए जो कुर्बानी है। एक बार सब मिलकर बोलो, यहाँ हर कोई हिंदुस्तानी है, हर कोई हिंदुस्तानी है, यहाँ हर कोई हिंदुस्तानी है। मैं गीत उस विषय पे लेके चल रहा हूँ जो हमारे देश से विषय खत्म हो चुका था, जिसका कोई मायना नहीं था। अब तुम्हें यही आना पड़ेगा, क्यों? प्यार देना है तो प्रेमी को गले लगा करके दीजिए, अगर इनाम देना है तो मंच पर आ करके दीजिए। क्यों? दो बुनियाद खत्म हो चुकी थी। एक फिल्म आई थी माँ तुझे सलाम, सलाम, उसमें एक डायलॉग था कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, पर कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। कहता तो हर इंसान था लेकिन नामुमकिन था। एक बार देखिए, जो हमारी विमलेश बहन जी हैं, उनके पति देव हैं और मैं तो मेरे लिए बड़े भाई हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप सम्मान करें। और देखिए साहब, ये हमारे प्यारे जीजाजी, तो मौका देना। देखो साहब, ये हमारे प्यारे जीजाजी, एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप सम्मान करते हैं। अब इन तनी ना पता, जब बिमले समय बहन जी तो जीजे ही लगे, पर कृपा के मानेंगे भाई, हम समझ रहे हैं तो बात गहराई की है। देखिए, बुनियाद खत्म हो चुकी थी लेकिन मैं गीत को यहीं से लेकर के चल रहा हूं अंकल जी। के धारा वो 370 हटाई, धारा वो 370 हटाई, पाकिस्तान को जख्म, पाकिस्तान को जख्म गहरा दिया है, पाकिस्तान को जख्म गहरा दिया है। अगर मेरी आवाज आपके दिल तक पहुंच जाए तो मेरा समर्थन जरूर करना। पाकिस्तान को जख्म, पाकिस्तान को जख्म गहरा दिया है, कश्मीर में तिरंगा झंडा फहरा दिया है, कश्मीर में तिरंगा झंडा फहरा दिया है, कश्मीर में तिरंगा झंडा फहरा दिया है। वो झंडा भी कब फहरा? आदर्श सिखाया इस जनता ने, बिना आपकी मर्जी के कुछ नहीं हो सकता है। आदर्श सिखाया इस जनता ने, ये राजनीति ना बो दिए। और ए पाकिस्तान, अरे चाचा पानी वा रहे हो ना, तुम पानी अलग बैठ जाओ, मेहमानों में पानी पानी है, रूम तुम पानी अलग डोल। क्यों? आदर्श सिखाया जनता ने, ये राजनीति ना बो दिए, तेरी लहसों से पाटेंगे जो तूने खाई खोदी है, जो तूने खाई खोदी है, जो तूने खाई खोदी है। अब दो लाइन ऐसी ला रहा हूं, वो बोलेंगे जरूरत न पड़े तो नहीं सब बोलेंगे। जो तूने खाई खोदी है, पीरों से खाली ना होगी, पीरों से खाली ना होगी इस भारत माँ की गोदी ये, पीरों से खाली ना होगी इस भारत माँ की गोदी ये। तेरे घर में घुस के मारेगा वो तेरा बाप नरेंद्र मोदी है, उठाकर जिए। मनमोहन सिंह हेमराज का शीश कट गया, लेटर पैड लेकर के डोलते रहे, कभी अमेरिका के पास,
कभी अमेरिका के पास, कभी पाकिस्तान के पास, कभी चीन के पास, के हमारे शहीद हेमराज का शीश हमें वापस दे दीजिए। लेकिन शीश तक वापस नहीं आया, लेकिन एक काम और हुआ के 9:21 और बादल खुशी के छा गए, सम्मान बढ़ाकर भारत का वो अभिनंदन वापस आए। दुश्मन की सीमा में डोल करके आ गया, दुश्मन की सीमा में डोल करके आ गया, शेर अपना सीना खोल करके आ गया, शेर अपना सीना यूं खोल करके आ गया। और देखिए कोड दबा ले चौथे गुरबा को बीच में, शेर अपना सीना खोल करके आ गया, अनमानस्तान में वो घुस के पाकिस्तान में, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल करके आ गया, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल करके आ गया, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल करके आ गया। मोदी ने सबकी सबकी, मोदी ने सबकी सबकी बदली मानसिकता, कश्मीर भारत की एक नागरिक चौकीदार चोर है, इसका मतलब है जो देश पर सुरक्षा कर रहे हैं इन किसानों के बेटे वो चोर हैं, दिन रात बलिदान देते हैं, लेकिन चौकीदार ने डट डट के, चौकीदार ने डट डट के पहरा दिया है, चौकीदार ने डट डट के पहरा दिया है। और एक बार सभी बोल दें, चौकीदार ने डट डट के पहरा दिया है, अब सुन ले पाकिस्तान, एक दो पैसे का पत्थरबाज हमारे वीर सिपाही के गाल पर आकर के तमाचा मार देता है, वीर जवान सर उठा झुका करके सरकार के लिए लेटर लिखते हैं कि इससे अच्छा तो हम मर जाएं, हमारे लिए मरना अच्छा है, लेकिन न आतंक होगा होगा, न पत्थर फेंकेंगे, और खुला चैलेंज है, न आतंक होगा होगा, न पत्थर फेंकेंगे, इमरान खान तेरे बर्तन बिकेंगे, और 50 रुपए हरवान सिंह सरपंच साहब, एक बार जोरदार तालियां बजा दें। अजीब आतंकवादी मुल्क ठहरा दिया है, आजी एक बार तुम बोल दो बड़े बुढ़िया, कश्मीर में तिरंगा झंडा, अब तुम लाख बात आ रही है, जाकर तुम जीरे का ही वो काम तुम्हारे आगे पूर्ण है गो, क्यों एक बार जोरदार तालियां, 200 रुपए का पुरस्कार दिया है। तो देखिए हमारे सेमिनरी सेठ जी टीवीएस भरतपुर धौलपुर और प्रतिष्ठानों की तो मैं गिनती भी क्या करूं, भूपिंदर जी का सम्मान किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात ना है कभी, अरे सब चलाई थी आई, कोई टेंशन ना, क्यों अंतिम लाइन ला रहा हूं, फिर से ये सीना छप्पन, फिर से ये सीना 56 इंच तन रहा है,
वो मोदी कोई सीना ना है, वो तुम्हारा सीना है। फिर से ये सीना 56 इंच तन रहा है, क्योंकि अयोध्या में राम का वो मंदिर बन रहा है। अयोध्या में राम का वो मंदिर बन रहा है। अयोध्या में राम का वो मंदिर बन रहा है। दलबीर बांध सर से, दलबीर बांध सर से सहरा दिया है। कश्मीर में तिरंगा झंडा लहरा। एक मिनट और बैठ लो साहब बाबूजी, क्योंकि जब अंतिम नंबर मेरा है तो विदाई भी मैं ही लूंगा आपसे। पहले कर लो भैया। तो ये रजन नेता जी, क्या बात है साहब, भाजपा के आए थे तुम्हारे दर पे। तुम्हारे दर पे एक रात के लिए, मुलाकात के लिए, कुछ जज बात के लिए, और हम करते हैं प्रणाम सातों जात के लिए, सातों जात के लिए। मेरी राम राम लो, मेरी राम राम लो, मेरी राम राम। पत्ता टूटा डाल से, पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिले कहूं अंत बसेंगे। मेरी आपसे निवेदन है सभी कलाकारों की तरफ से, क्योंकि अंतिम नंबर मेरा है, मैं सभी कलाकारों की तरफ से आपके मान सम्मान में कोई भी गलती हुई हो, ठेस पहुंची हो, तो उसे यहीं छोड़ जाएं और अच्छाइयां लगी उन्हें अपने दिल के साथ लेकर के जाएं। क्यों भूल हमारी दिल में न लाना, भूल हमारी दिल में न लाना है कर्तव्य निभाना। अजी भूल हमारी दिल में न लाना, लेकिन भूल न जाना। भूल हमारी दिल में न लाना, लेकिन भूल न जाना। आए थे तुम्हारे दर पे, आए थे तुम्हारे दर पे, आए थे तुम्हारे दर पे एक बात के लिए, कुछ जज्बात के लिए। करते हैं हम प्रणाम सातों जात के लिए, सातों जात के लिए। राम राम साहब।